मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग पार्ट थर्ड के साथ। आज हम बात करेंगे इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग और अब्सॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन को। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेजेस और प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, एंड देन फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे स्पेशल स्पेक्ट्रल टेम्पोरल और रेडियोमैटिक रेजोल्यूशन के बारे में। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर की। रिमोट सेंसिंग के लिए ये समझना बहुत जरूरी है किस तरीके से सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, वो वहां से निकलने के बाद हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से होते हुए आती है, हमारे अर्थ की जो सरफेस है उनसे इंटरेक्ट करती है, फिर अगेन हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए सेंसर्स तक पहुंचती है और सेंसर्स इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, जब हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए जाती है और हमारे अर्थ सरफेस के ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करती है, तो उसके साथ कई चीजें होती हैं। रिमोट सेंसिंग के लिए तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को हम कहते हैं स्कैटरिंग, दूसरे को कहते हैं अब्सॉर्प्शन और तीसरे को कहते हैं रिफ्लेक्शन। इमेज को अगर आपको समझना है, साइंस को समझना है, तो आपको स्कैटरिंग, अब्सॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन को समझना होगा। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, जिसे जैसे ट्रांसमिशन में जो आपकी एनर्जी है वो एक मीडियम से आती है, दूसरे मीडियम में टकराएगी और फिर क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। तो जैसे आपकी जो लाइट है वो शीशे से टकराई और शीशे को क्रॉस करते हुए चली गई, दैट इज ट्रांसमिशन। ठीक है, सन से आने वाली जो एनर्जी है वो डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर ऐसे क्रॉस करते हुए निकल जाती है, तो दैट इज ट्रांसमिशन। दूसरा रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जो एनर्जी है वो पार्टिकल से या मीडियम से टकराएगी और बाउंस बैक हो जाएगी। तब जब एनर्जी बाउंस बैक हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और जब एनर्जी का रिफ्लेक्शन होता है तो एनर्जी की जो वेवलेंथ होती है उस वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है। तीसरी चीज होती है आपकी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में आपका क्या होता है कि जो एनर्जी वो एक मीडियम से आती है दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, लेकिन उसका एंगल जो है वो एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा पानी में अगर चम्मच पड़ा हुआ हो तो आपको वो तिरछा दिखाई देता है, वो किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन को अगर आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो आपको बेसिकली जो आइनोस्फेयर वाला हमारा चैप्टर है उसे आपको दोबारा पढ़ना होगा, सुनना होगा। उसमें हमने बताया कि किस तरीके से जो आपकी रेडियो वेव्स हैं, जब उसे हम अर्थ से छोड़ते हैं तो हमारे आइनोस्फेयर से टकराती है और वो वापस लौटती है, तो वो क्या है, वो रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। उसमें एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया होती है जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी हमने एक्सप्लेन किया है, जिसमें क्रिटिकल एंगल पे जो एनर्जी है वो पूरी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम से, इसी मीडियम से वो वापस हो जाएगी। चौथी जो चीज होती है उसे डिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी मीडियम से एनर्जी टकराई और जैसी नेक्स्ट मीडियम में आई वो नेक्स्ट मीडियम में बिखर गई, तो किसका एग्जाम्पल है, डिफ्रैक्शन का। एब्जॉर्प्शन, मैंने आपको बताया कि जो आपकी एनर्जी है वो एटमोस्फेयर से आई और जिस ऑब्जेक्ट से टकराई उस ऑब्जेक्ट ने उस एनर्जी को क्या लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो आपकी ओजोन ने क्या किया, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसकी यूवी स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। स्कैटरिंग जो है उसमें क्या होता है कि एनर्जी आती है किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और वो जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली पहले उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वापस रिट्रांसमिट करता है। ठीक है, और ये जो रिट्रांसमिशन है ये किसी भी डायरेक्शन में होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन में एनर्जी किसी जिस ऑब्जेक्ट से टकराती है उससे वो बाउंस बैक हो जाती है और उसके बेसिकली वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता है। ऑब्जेक्ट जो है जिससे वो टकराती है उसे वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो खाली रिफ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन स्कैटरिंग में जिस भी पार्टिकल से वो एनर्जी टकरा रही है वो उसे पहले एब्जॉर्ब करेगा और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद उसे दोबारा रिट्रांसमिट करेगा, और इस प्रोसेस में उसकी जो वेवलेंथ है उसमें अक्सर क्या होंगे, चेंज आएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग कहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कैटरिंग में क्या होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है वो पार्टिकल से टकराएगी, पार्टिकल उसे पहले एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद उसे वापस रीमिट करेगा, तो वो किसी भी डायरेक्शन में उसको क्या करेगा, दोबारा रीमिट कर देगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग कहेंगे। आमतौर पर हमारे वायुमंडल में हमारे गैस के कण जो है, डस्ट है, और जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं, ये हमारे क्या करते हैं, स्कैटरिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्कैटरिंग बेसिकली तीन तरह की होती है, एक को हम कहते हैं रिले स्कैटरिंग, दूसरी मी स्कैटरिंग और तीसरी नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। इसके अलावा भी कुछ स्कैटरिंग होती है जिसके हम लोग बारे में बात करेंगे, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट स्कैटरिंग जो है आपकी वो रिले स्कैटरिंग है, मी स्कैटरिंग है और नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग है। रिले स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो जब किसी पार्टिकल से टकराती है तो उस एनर्जी की जो वेवलेंथ है, यानी ईएमआर की जो वेवलेंथ है, अगर पार्टिकल का साइज उससे छोटा है तो जो स्कैटरिंग होती है उसे हम रिले स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, जो आपका आसमान ब्लू दिखता है इसी स्कैटरिंग की वजह से, इसके बारे में हम लोग फिर से डिटेल में बात करेंगे।
मी स्कैटरिंग में क्या होता है कि आपका जो वेवलेंथ है और जो पार्टिकल साइज है दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जितनी वेवलेंथ है पार्टिकल साइज लगभग उतना ही है, तो जो स्कैटरिंग होती है उसे हम मी स्कैटरिंग कहते हैं। और अगर पार्टिकल का साइज जो है वो वेवलेंथ के साइज से बड़ा है तो जो स्कैटरिंग होती है उसे हम नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपके जो क्लाउड्स हैं वो वाइट दिखाई देते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। चलिए अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेले स्कैटरिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रेले स्कैटरिंग के बारे में। रेले स्कैटरिंग, जैसा कि मैंने बताया, इसमें पार्टिकल का जो साइज है वो वेवलेंथ के साइज से क्या है, छोटा है, तो जो स्कैटरिंग होती है वो रेले स्कैटरिंग होती है। रेले स्कैटरिंग आपका जो आसमान है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, वो रेले स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो जो विजिबल वेवलेंथ है उसमें ब्लू, ग्रीन और रेड, तो ब्लू जो है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है और ग्रीन का वेवलेंथ उससे ज्यादा और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो जब ये विजिबल जो लाइट है वो जब हम एटमोस्फेयर में इंटर करती है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो छोटे पार्टिकल हैं ये उनसे टकराती है, तो सबसे छोटे पार्टिकल्स आपके जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पार्टिकल हैं ये इस वेवलेंथ में सबसे ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं ब्लू के साथ, क्योंकि ब्लू क्या है, सबसे छोटा है, तो उसका साइज इनके पार्टिकल के जो साइज है उनसे वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साइज के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे ये इनसे टकराता है ये क्या होता है, बिखर जाता है। ग्रीन और रेड नहीं बिखरता है बल्कि आपकी जब ब्लू है वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। और क्योंकि ब्लू जो वेवलेंथ है वो स्कैटर हो जाती है, इसी वजह से जो आपको आसमान है वो किस कलर का दिखाई देता है, आपको वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। इसके अलावा जो स्कैटरिंग होती है वो यूवी की स्कैटरिंग भी होती है। ठीक है, लेकिन यूवी की जो स्कैटरिंग है वो हम, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो यूवी अल्ट्रावायलेट को नहीं देख सकती है, वो सिर्फ ब्लू, ग्रीन, रेड को देख सकती है। ब्लू लाइट जो है वो करीब रेड लाइट से 4 गुना ज्यादा स्कैटर होती है, और जो यूवी लाइट है वो करीब 16 टाइम ज्यादा स्कैटर हो सकती होती है रेड से। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम अल्ट्रावायलेट को हम नहीं देख सकते तो हम केवल ब्लू को देखते हैं, और इसीलिए जो हमारा आसमान है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। उसके बाद दूसरी जो स्कैटरिंग है उसे मी स्कैटरिंग कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया मी स्कैटरिंग में क्या होता है, पार्टिकल का साइज जो होता है वो वेवलेंथ के बराबर होता है। जब पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के बराबर होता है तो मी स्कैटरिंग होती है। मी स्कैटरिंग के लिए जो एजेंट्स हैं वो खासकर जो है क्या है, आपके वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स और दूसरे जो पार्टिकल्स हैं वो इसका जो मी स्कैटरिंग है उसे वो करते हैं, क्योंकि इनका जो पार्टिकल का साइज होता है वो ऑलमोस्ट जो होता है आपकी जो वेवलेंथ होती है विजिबल उनके आसपास उनके लगभग बराबर होता है। मी स्कैटरिंग की दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि मी स्कैटरिंग आपके लोअर एटमोस्फेयर में होती है, क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है, क्योंकि वो रेले से बड़ा है तो जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो भारी होंगे, और जो भारी पार्टिकल होंगे वो हमारे अर्थ सरफेस के पास होंगे, तो मी स्कैटरिंग जो भी होगी वो अर्थ सरफेस से 5 किलोमीटर के अंदर ही होती है, उसके ऊपर मी स्कैटरिंग नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि लार्ज पार्टिकल हमारे नीचे ही पाए जाते हैं, ऊपर नहीं पाए जाते। ये आपकी जो मी स्कैटरिंग है, आप सुबह और शाम को जो आपको आसमान दिखाई देता है ऑरेंज कलर का और रेड कलर का, दैट इज बिकॉज ऑफ मी स्कैटरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा अमाउंट में स्मोक होगा या डस्ट पार्टिकल होगा मी स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो मी स्कैटरिंग में आप सुबह और शाम को जो आपको आसमान दिखाई देता है वो रेड और ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो आपके छोटे वेवलेंथ हैं आपके, ठीक है, वायलेट ब्लू जो एक वेवलेंथ है वो पहले ही स्कैटर हो जाते हैं, और केवल रेड और ऑरेंज सिर्फ ये आपकी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, तो बाकी जो वेवलेंथ है वो आपकी आंखों तक पहुंचे नहीं पाती हैं। इस वजह से आपको सब कुछ कैसा दिखाई देगा शाम के टाइम और सुबह के टाइम, रेड और ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। तो इवनिंग स्काई और मॉर्निंग स्काई जो है वो खासकर सन के आसपास का जो एरिया है वो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मी स्कैटरिंग। तीसरी स्कैटरिंग नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें जो पार्टिकल का साइज है वो वेवलेंथ के साइज से ज्यादा बड़ा होता है। नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी भी वेवलेंथ है वो सभी इक्वली स्कैटर होती है, मतलब जो भी इंसिडेंट एनर्जी आ रही है वो उन ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, क्योंकि वो बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वो लार्ज डस्ट साइज पार्टिकल्स हैं या वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो उनसे वो वेवलेंथ जो है वो टकरा रही है, और टकराने के बाद वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जा रही है। आपको पता है जब विजिबल लाइट पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट आपको हमेशा कैसा दिखाई देगा, व्हाइट कलर का दिखाई देगा। यही वजह है कि जो आपको बादल हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी एनर्जी उनसे टकरा रही है वो सारी की सारी स्कैटर हो जा रही है, तो उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, तो जो आसमान आपको व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। साथ ही में आपने जो अभी जो फॉग पड़ता है आप देखे होंगे खासकर सर्दियों में, तो जो फॉग होता है उसका कलर भी कैसा होता है, व्हाइट होता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी लाइट उस पर पड़ती है वो सारी की सारी क्या होती है, नॉन सेलेक्टिवली स्कैटर हो जाती है, सबकी सब स्कैटर हो जाती है, तो उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर। जो फॉग होता है वो व्हाइट कलर का होता है।
और तरह की स्कैटरिंग होती है जिसे हम रमाना स्कैटरिंग कहते हैं। रमाना स्कैटरिंग आपको पता होगा, इंडियन फेमस इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमाना के नाम पे है। उनको इस स्कैटरिंग की खोज की उनको आगे चल के नोबेल अवार्ड भी मिला। रमाना स्कैटरिंग जो है वो एक तरह की इनइलास्टिक स्कैटरिंग है, और इसमें होता क्या है कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो क्या करती है, जिस पार्टिकल से या मॉलिक्यूल से टकराती है उससे एनर्जी का एक्सचेंज करती है, ठीक है, और साथ ही में जब वो उसे इंटरैक्ट करती है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है। तो जो आपकी इंसिडेंट एनर्जी है जब वो किसी मॉलिक्यूल से टकराती है और क्या करती है, उससे एनर्जी का एक्सचेंज करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रमाना स्कैटरिंग कहते हैं। तो हो सकता है कि जो एनर्जी मॉलिक्यूल से टकरा रही है वो टकराने के बाद कुछ अपनी एनर्जी उस मॉलिक्यूल को दे दे, या हो सकता है कि वो एनर्जी जब उस मॉलिक्यूल से टकरा रही है तो उस मॉलिक्यूल से कुछ एनर्जी ले ले, दोनों ही हो सकता है। तो अगर जो आपका जो एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी है अगर मॉलिक्यूल से टकराने पे उसे अपनी एनर्जी दे देती है तो लाइट की जो खुद की एनर्जी है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और जब लाइट की एनर्जी कम हो जाती है तो वो लार्जर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और अगर जो इंसिडेंट एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट से टकरा के और उससे एनर्जी ले लेती है तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो क्या होती है, वो स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से रमाना स्कैटरिंग में क्या होता है कि इंस्टेंट एनर्जी जो आपके मॉलिक्यूल हैं उनसे टकराने के बाद उनको एनर्जी दे सकती है और उनसे एनर्जी ले सकती है, और उसको जैसे ही वो उसको देती या लेती है उसके साथ क्या होता है, उसकी खुद की जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है वो उसमें शिफ्टिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रमाना स्कैटरिंग कहते हैं। चलिए इसको इस तरीके समझिए कि आपका जो जो इंस्टेंट एनर्जी थी वो मॉलिक्यूल से टकराई, और मॉलिक्यूल से टकराने के बाद अगर उसने एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं किया तो वो रिले स्कैटरिंग कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो इंसिडेंट एनर्जी ऑब्जेक्ट से टकराई और टकराने के बाद उसने क्या की कि उसने एनर्जी ले ली किससे, ऑब्जेक्ट से, तो उसकी खुद की इंसिडेंट एनर्जी जो होगी उसकी उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी स्ट्रोक कहते हैं, और ये एक तरह की क्या है, रमाना स्कैटरिंग है। बाय द वे, अगर हो सकता है कि जो एनर्जी है वो इंसिडेंट एनर्जी ऑब्जेक्ट से टकराए, पार्टिकल से टकराए और टकराने के बाद उसको अपनी एनर्जी दे दे, अगर उसने अपनी एनर्जी उसको दे दी तो वो किस तरफ शिफ्ट जाएगी, लार्जर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो अगर वो स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है तो एंटी स्ट्रोक, अगर वो लार्जर वेवलेंथ की तरफ होती है तो स्ट्रोक, और ये दोनों ही स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक दोनों ही क्या है, रमाना स्कैटरिंग। आपको याद होगा या आपको पता होगा कि हमारी जो एनर्जी होती है उसमें आपकी गामा कॉस्मिक वेव से लेकर आपकी रेडियो वेव तक है, तो फ्रीक्वेंसी जब छोटी होती है तो उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी जब बड़ी होती है तो उसमें एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो जब जब रमाना स्कैटरिंग में जो आपकी इंसिडेंट एनर्जी है जब एनर्जी को गेन करेगा यानी पार्टिकल्स एनर्जी को लेगा तो किस तरफ शिफ्ट करेगा, स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगा, और जब वो पार्टिकल को एनर्जी दे देगा तो वो किस तरफ शिफ्ट करेगा, वो लार्जर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगा, और स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन जो है वो बनाएगा। अब जो आपकी रमाना स्कैटरिंग है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि रमाना स्कैटरिंग जब किसी ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करती है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करने पे जो वो स्टोक लाइंस या जो एंटी स्टोक लाइंस बनाती है उससे उस ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चलती है। इसमें जो स्टोक लाइंस और एंटी स्टोक लाइंस बनती हैं वो हर एक आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपके वाटर मॉलिक्यूल जब उनसे इंटरैक्ट करती है तो उनके स्टोक और एंटी स्टोक लाइन का एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को आप आइडेंटिफाई करके ये बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ रही है उस ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, आप उसके जो मिनरल कंपोजिशन है वो बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि कौन सी गैसेस हैं, या ये बता सकते हैं कि वो कौन सा मिनरल है। तो जो आपकी रमाना स्कैटरिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को लेके आती है जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है। दूसरी रमाना स्कैटरिंग के बारे में खास बात यह है कि रमाना स्कैटरिंग बहुत ही कम होती है, यानी जब कोई एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उसकी 99.999% जो एनर्जी है वो रेले स्कैटरिंग होती है, लेकिन उसकी बहुत ही छोटा सा 0.% जो 0.009% के आसपास की जो स्कैटरिंग होती है वो रमाना स्कैटरिंग होती है। यानी जब आपकी जो जो एनर्जी है इंसिडेंट एनर्जी है जब किसी किसी मॉलिक्यूल से टकराती है तो उसका बहुत ही छोटा सा जो पार्ट होता है वो रमाना स्कैटर होता है, ज्यादातर जो पार्ट होता है वो रेले स्कैटर होता है। लेकिन जैसे ही वो रमाना स्कैटर होता है और अगर आप उस रमाना स्कैटरिंग को आइडेंटिफाई कर पाए जो कि हम कर पाते हैं तो हम ये आसानी से बता पाते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका नेचर क्या है। रिमोट सेंसिंग में हम इसको यूज करते हैं लिडार में,
लिडार में हम लोग क्या करते हैं, लेजर लाइट को मारते हैं आसमान की तरफ, उसकी लेजर लाइट की पल्स होती है, और वो जो लेजर लाइट है वो अपने रास्ते में पड़ने वाले जो मॉलिक्यूल्स है एयर मॉलिक्यूल्स उनसे टकरा के वापस आता है। जब वो वापस आता है तो उसको हम रमाना स्कैटरिंग में उसको रीड करते हैं और हमें पता चल जाता है कि ऊपर में जो डिफरेंट गैसेस हैं इन गैसेस का कंपोजिशन क्या है और उसमें किस तरीके से चेंज हो रहा है। क्योंकि मैंने बताया जो स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन बनती है इनका एक यूनिक पैटर्न होता है जो हर एक गैस और मॉलिक्यूल के लिए अलग होता है, तो आप आसानी से बता पाते हैं कि ऊपर किस गैसेस का कंसेंट्रेशन है। तो इस तरीके से रमाना स्कैटरिंग को हम लोग खासकर लिडार में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनके बारे में हमें रमाना स्कैटरिंग से मिल पाती है। इसके अलावा एक और स्कैटरिंग है जिसे हम कॉम्पटन स्कैटरिंग कहते हैं, और बेसिकली जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है और रमाना स्कैटरिंग है उसमें बस डिफरेंस ये है कि जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है उसमें हम पार्टिकल के बारे में नहीं बात करते, उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो कॉम्पटन साहब ने सबसे पहले बताया था कि अगर जो एनर्जी है वो चार्ज पार्टिकल से इंटरैक्ट करेगी तो करेगी क्या, क्योंकि चार्ज पार्टिकल से जैसी एनर्जी टकराएगी चार्ज पार्टिकल जो इंसिडेंट एनर्जी है उससे वो फोटॉन्स को ले लेंगे, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी और वो रेड साइड में शिफ्ट करेगी, राइट साइड में शिफ्ट करेगी, क्योंकि उसकी इंसिडेंट एनर्जी की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो वो राइट साइड में शिफ्ट करेगी। दैट इज कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रिमोट सेंसिंग के लिए जितनी रमाना स्कैटरिंग। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जैसा हम लोगों ने शुरुआती क्लास में डिस्कस किया था कि जो सन से जो आने वाली एनर्जी है उसको उसके बहुत बड़े पार्ट को हमारा जो एटमोसफेयर है अर्थ की सर्फेस है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और बहुत छोटा सा पार्ट उस वेवलेंथ का क्या होता है, वापस जा पाता है, हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर पाता है, और ये पार्ट जो वापस जा रहा है यही रिमोट सेंसिंग के लिए अवेलेबल होता है। तो देखिए ये हमारा वेवलेंथ है पूरा पृथ्वी का, और आप देख रहे हैं ये जो सारे पार्ट हैं डार्क पार्ट ये वो ग्रे पार्ट हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बीच में जो आपको ग्रैप दिखाई दे रहा है ये वो पार्ट है जो वापस जा पाते हैं अर्थ के सर्फेस से। तो एक्चुअली यही पार्ट वो है जो वापस जा रहा है और जो रिमोट सेंसिंग के लिए अवेलेबल है, बाकी जो है क्योंकि एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो वो रिमोट सेंसिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक विंडोज। इसके बारे में एटमॉस्फेरिक विंडोज के बारे में हम लोग डिटेल में पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो आपकी बहुत सारी गैसेस हैं, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में सन से आने वाली जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ एनर्जी है जिसे वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वही एनर्जी जो है हमारे पृथ्वी की सतह से टकरा के एटमॉस्फेयर से होते हैं वो वापस जाती है और हमारे सेंसर्स उसे रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद वो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें रिमोट सेंसिंग के थ्रू अवेलेबल कराते हैं। लेकिन वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो जा रही है ये भी एक्चुअली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें दे पाती है ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एक प्लैनेट मिला है जो अर्थ लाइक प्लैनेट है, और हो सकता है कि उसका जो डिस्टेंस है वो 200 लाइट ईयर दूर से या उससे ज्यादा लाइट ईयर जो है वो दूर हो सकता है। आपने कभी सोचा है ये कि हमें कैसे पता कि इतनी दूर इतनी डिस्टेंस पे कोई प्लैनेट है जो अर्थ जैसा है? वो हमें इस तरीके से पता चलता है कि अगर उससे आने वाली लाइट को हम रीड कर पाए तो उससे आने वाली जो लाइट है उसमें वो जो लाइट है उसका पैटर्न अगर अर्थ जैसा है, जैसे ये जो स्पेक्ट्रम है ये स्पेक्ट्रम अगर आप अर्थ का रीड करेंगे तो ये अर्थ का स्पेक्ट्रम है, ये अर्थ का बेसिकली सिग्नेचर है। तो कोई भी प्लैनेट जो अर्थ की तरह है उससे अगर कोई ईएमआर जो है टकरा के अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसका पैटर्न भी यही होगा, ठीक है? यानी अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेंज जो है वो इंफ्रारेड और आपकी जो रेडियो वेव्स है वो रीड करेंगे, बाकी सारी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अगर सेम सिग्नेचर आपको किसी प्लैनेट से मिलता है तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो प्लैनेट है वो कैसा है, अर्थ लाइक प्लैनेट है। तो इस तरीके से हर एक प्लैनेट अपना एक सिग्नेचर बनाते हैं जो डिपेंड करता है कि वहां पे गैसेस कैसी हैं और प्लैनेट का जो मिनरल है कंपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन है वो किस तरीके का है। तो इस तरीके से हर एक प्लैनेट का एक यूनिक सिग्नेचर होता है, और अगर किसी प्लैनेट का सिग्नेचर वैसा ही है जैसा अर्थ का सिग्नेचर है तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो प्लैनेट जो है दैट इज अर्थ लाइक प्लैनेट। तो अब जो भी एनर्जी किसी प्लैनेट से या स्टार से आ रही है उसका एक सिग्नेचर होता है, ठीक है? तो हर एक स्टार हर एक प्लैनेट का अपना एक यूनिक सिग्नेचर होता है। जैसे देखिए अगर ये सिग्नेचर आपको मिल रहा है यानी जो एनर्जी आ रही है वो हाइड्रोजन से टकरा के आ रही है तो हाइड्रोजन का सिग्नेचर है, ये नियन का सिग्नेचर है, ये आपका आयरन का सिग्नेचर है, ठीक है? तो इस तरीके से हर एक जो आपके आपका जो कंपोनेंट है आपका उसका अपना क्या है, एक सिग्नेचर है, और इसी सिग्नेचर को हम क्या कहते हैं, पहचान पाते हैं। और बाकी जो इसका स्पेक्ट्रम है देखिए ये विजिबल स्पेक्ट्रम में बाकी देखिए आप क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ये ब्लैक है यानी ये क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्ब हो जा रहा है।
तो ये जो एब्जॉर्प्शन लाइन है, इस एब्जॉर्प्शन लाइन से भी हम क्या कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें कंक्लूड कर पाते हैं और ये समझ पाते हैं कि वो जो प्लैनेट है या वो जो सेलेस्टियल बॉडी है उसका मेकअप क्या है, किस तरीके का है। तो बेसिकली ये क्या है, ये बारकोड्स हैं, और ये जो बारकोड्स हैं ये हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके बारे में। फाइनली हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं रिफ्लेक्शन पे। बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या है, कोई जो इंसिडेंट एनर्जी है वो टारगेट से टकराती है और बाउंस बैक हो जाती है, रीडायरेक्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन जो है वो दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन और दूसरे को कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो जो आपका स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो क्या होता है ये समझ लेते हैं। अगर आपका सरफेस बहुत स्मूथ है तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ऐसे मिरर लाइक रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपकी जो इंसिडेंट एनर्जी है वो आती है, टकराती है और सिंगल डायरेक्शन में टकराती है और सिंगल डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। तो जो आपकी एनर्जी है वो टकराए और सिंगल डायरेक्शन में वापस लौट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दूसरा जो रिफ्लेक्शन होता है ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तब होता है जब सरफेस जो है वो थोड़ी सी क्या रफ है। तो जब सरफेस रफ होती है तो एनर्जी टकराती है और यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में क्या होती है, बढ़ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपका जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ये क्या है, रिमोट सेंसिंग के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करता है, ये रिफ्लेक्शन जो है सरफेस के बारे में बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ये आपके रिमोट सेंसिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो बेसिकली एक तरह का रिफ्लेक्शन ही है जिसके बारे में काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है और काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसका एल्बिडो कम है और किसका एल्बिडो ज्यादा है। तो बेसिकली एल्बिडो बहुत सामान्य शब्दों में क्या है, एल्बिडो वो इंसिडेंट एनर्जी का वो परसेंटेज है जो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक सर्टेन अमाउंट में एनर्जी को रिफ्लेक्ट या स्कैटर करता है, वही क्या होता है आपका एल्बिडो होता है। बेसिकली एल्बिडो हमें आमतौर पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है उस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं। अगर किसी का एल्बिडो जीरो है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो ब्लैक बॉडी है, यानी जो भी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट से टकरा रही है वो उसको क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टकराने वाली सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि उससे एनर्जी आके टकरा के उससे वापस नहीं आ रही है। याद रखिएगा ब्लैक होने का मतलब क्या है, एब्सेंस ऑफ कलर, कलर नहीं है। तो आपका ब्लैक बॉडी अगर उसका एल्बिडो जीरो है तो वो क्या होगी, ब्लैक बॉडी। जैसे आपका आपने ब्लैक होल सुना होगा, तो जो ब्लैक होल होता है वो ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करता है, जितनी भी एनर्जी उससे टकराती है उस एनर्जी को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अगर किसी का एल्बिडो वन है, इसका मतलब कि ये है कि जो भी एनर्जी उससे टकरा रही है वो टकरा के सारी की सारी वापस आ जा रही है, ठीक है, तो उसका एल्बिडो कितना होगा, वन होगा, यानी जो भी एनर्जी टकरा रही है 100% वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। तो आपका जो एल्बिडो है वो जीरो से वन जो है वो क्या करेगा, कैरी करेगा। अब जो ये आपका प्रोपोर्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी है ये क्या करती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आती है, किसके बारे में, सरफेस के बारे में। तो इस तरीके से ये जो आपका एल्बिडो है ये क्या है, हमारे रिमोट सेंसिंग के लिए सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अर्थ के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आप एल्बिडो की बात करें तो जो आपका फ्रेश स्नो होता है उस फ्रेश स्नो का जो एल्बिडो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, 0.9 के आसपास उसका एल्बिडो होता है। और जो चारकोल होता है उसका एल्बिडो कितना होता है, 0.04 उसका एल्बिडो होता है, ठीक है। इसलिए चारकोल कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखाई देगा। तो इस तरीके से फ्रेश स्नो का जो एल्बिडो है वो मैक्सिमम होता है और चारकोल जो है उसका एल्बिडो क्या होता है, मिनिमम होता है। ये एग्जांपल हैं कुछ एल्बिडोस के, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेश स्नो का एल्बिडो सबसे ज्यादा होगा, यानी 80-90% जो एनर्जी उसे टकराएगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओल्ड स्नो जो है उसका एल्बिडो 50-60 के पास होता है। सैंड जो है उसका एल्बिडो 20-40% होता है। ग्रास का एल्बिडो 5-25% होता है, क्योंकि ग्रास क्या करती है, सन से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करती है, तो इनका एल्बिडो क्या होता है, कम होता है। ड्राई सॉल का जो एल्बिडो है वो 15-25% होता है। वेट अर्थ जो है उसका एल्बिडो लगभग 10% होता है। ज्यादातर एनर्जी यानी 90% एनर्जी को वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, 10% एनर्जी ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। फॉरेस्ट का जो एल्बिडो है वो 5-10% होता है, यानी 90% एनर्जी उस फॉरेस्ट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। वहीं वाटर के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाटर में अगर सन नियर हॉरिजॉन है, यानी सुबह और शाम के समय
जो रिफ्लेक्शन है वो 50-80% होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो जो भी एनर्जी सन से टकराती है सुबह और शाम को 50-80% वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। लेकिन सन जब आपके सर के ऊपर है, जेनिथ पे है, जो आपका, तो जो आपका रिफ्लेक्शन है वो केवल क्या होगा, 5-10%, यानी 90% के आसपास जो एनर्जी होगी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसीलिए इक्वेटोरियल एरिया में जो पानी होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि आमतौर पर सर जो सन जो होता है वो सीधे चमकता है और जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी जब सुबह और शाम के समय जो एल्बिडो होगा वो ज्यादा होगा, तो इसीलिए जो आपके ध्रुवीय इलाके होते हैं, जो आपके पोलर रीजन वाले इलाके हैं, आर्कटिक सर्कल उसके बाद और उसके आसपास वाले, वहां पे जो रिफ्लेक्शन है, एल्बिडो है, वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जो पानी है वो ज्यादा गर्म नहीं होता है। लेकिन वही जो आपका इक्वेटोरियल वाटर है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि सन सीधे हमेशा सर पे होता है और खूब ज्यादा जो एनर्जी है वो पानी एब्जॉर्ब करता है और केवल 5-10% जो एनर्जी है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। थिक क्लाउड जो होता है उसका एल्बिडो 70-85% होता है, थिन क्लाउड का एल्बिडो 25-30%, और अर्थ और हमारे एटमॉस्फेयर का जो टोटल एल्बिडो है वो लगभग कितना होता है, 30% होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेज और प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसमें बेसिकली रिमोट सेंसिंग में दो स्टेजेस हैं, एक को हम कहते हैं डेटा एक्विजिशन और दूसरे को हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम एक साथ समझते हैं। सन से वाली आने वाली जो एनर्जी है हमारे एटमॉस्फेयर से प्रोपेगेट होते हुए हमारे पृथ्वी के सर्फेस के जो ऑब्जेक्ट से हमसे टकराती है, टकराने के बाद फिर से रीट्रांसमिट होती है, और वो रीट्रांसमिट होने के बाद सेंसर्स तक पहुंचती है। तो जो आपके सेंसर है वो आपके क्या हो सकते हैं, एयरबॉर्न सेंसर हो सकते हैं या स्पेस बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये जो सेंसर्स हैं वो एयरबॉर्न हो सकते हैं या स्पेस बॉर्न हो सकते हैं। ये सेंसर्स क्या करते हैं, इस एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद वो उसे दो तरीके से सेव कर सकते हैं। हो सकता है वो उसे डिजिटल तरीके से सेव करें, या हो सकता है वो उसे पिक्टोरियल तरीके से उसे रिकॉर्ड करें। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, पुराने समय में नेगेटिव वाले कैमरे होते थे, ठीक है, तो नेगेटिव वाले जो कैमरे हैं वो पिक्टोरियल डेटा है, और जो आजकल के आपके कैमरे हैं क्या, डिजिटल डेटा है। तो जिसमें हमारे पिक्सल्स होते हैं वो डेटा सारा क्या है, डिजिटल डेटा है, और हमारा जो नेगेटिव वाला जो डेटा है वो कौन सा, पिक्टोरियल डेटा है। तो जो हमारे सेंसर है वो दोनों हो सकते हैं। हालांकि आज की तारीख में आमतौर पर लगभग सभी जो हमारे सेंसर्स है वो कौन से हैं, वो डिजिटल सेंसर्स है। अब ये जो डेटा है वो तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें पृथ्वी की लेता है, और लेने के बाद ये डेटा है इसको भेज देता है। अब ये जो डेटा है इसे हम रेफरेंस करते हैं, और रेफरेंस करने, रेफरेंस मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड असाइन करते हैं। इसे रेफरेंस करने के बाद ये बेसिकली दो तरीके से होगा आपका, या तो डिजिटल एनालिसिस होगी इसकी, या विजुअल एनालिसिस होगी। डिजिटल एनालिसिस मतलब जो आपको जो वैल्यूज मिली है उसको आप डिजिटली एनालाइज करेंगे, और विजुअल एनालिसिस मतलब आप देख के उसे एनालाइज करें, ठीक है। और फिर इस एनालिसिस के बाद बहुत सारे हमारे जो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हैं और जो लेयर्स हैं वो लेयर्स मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पूरा रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस है वो होता है। इसमें आपका डेटा एक्विजिशन की प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले डेटा एक्विजिशन में प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर, यानी जो ऊर्जा है वो हमारे वायुमंडल से प्रोपेगेट होते हुए आती है। तो आपको पता है बहुत सारी जो एनर्जी है उसको हमारी जो ऊपर जो ओजोन लेयर है वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बहुत सारी लेयर की एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके अलावा जो बची हुई एनर्जी है वो क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है बहुत सारी एनर्जी, और कुछ एनर्जी हमारे पृथ्वी की सतह तक क्या होती है, पहुंच पाती है। उसके बाद ये जो एनर्जी है जब पृथ्वी की सतह पे पहुंचती है तो हमारे पृथ्वी की सतह के जो ऑब्जेक्ट्स है इन ऑब्जेक्ट से वो इंटरैक्ट करती है। हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट उसे एब्जॉर्ब कर ले, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट उसे स्कैटर कर दे, या हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या करे, उस अलाउ करें उस एनर्जी को पास होने के लिए। तो स्पेक्ट्रम की बहुत सारी एनर्जी जो है वो पत्तों से टकरा के क्रॉस कर जाती है, कुछ एनर्जी स्कैटर कर जाती है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। यानी हमारे पृथ्वी के सर्फेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आने वाली एनर्जी से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या होता है कि रीट्रांसमिशन होता है, यानी एनर्जी को जब उन्होंने इंट्रैक्ट किया उसके बाद उस एनर्जी को वो क्या करेंगे, रीट्रांसमिट करेंगे। तो वो जो एनर्जी है वो वापस हमारे वायुमंडल से होते हुए जाएगी और सेंसर्स हमारे रिसीव करेंगे। तो अगर हमारे एयरबॉर्न सेंसर है तो वायुमंडल में ही उस एनर्जी को रिसीव कर लेंगे, अगर स्पेस बॉर्न सेंसर है तो स्पेस से वो लौटी हुई एनर्जी को क्या करेंगे, सेंस करेंगे, जिसके बाद जो है रिमोट सेंसिंग जो आपको डेटा है वो क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तीन स्टेप आपके किसके पार्ट हैं, डेटा एक्विजिशन के पार्ट हैं। चौथा पार्ट उसका डेटा एनालिसिस है, इसमें आपको जो डेटा है वो अवेलेबल हो जाता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा आपको अवेलेबल होता है, और इस डेटा का आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से हम इसका एनालिसिस जो है वो करते हैं। तो आपका जो चौथा पार्ट है वो क्या है, डेटा एनालिसिस का है। तो इस तरीके से जो पूरा रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस है वो होता है। फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन पे। रेजोल्यूशन बेसिकली आपकी चार तरह की होती है।
एक आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन है, दूसरी स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है, तीसरी टेम्पोरल रेजोल्यूशन है और चौथी रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सभी रेजोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन है। स्पेशल रेजोल्यूशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले पिक्सल को समझना पड़ेगा। आपको पता होगा आपके कैमरे क्या होते हैं, मेगा पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। तो आपके कैमरे में लाखों या लाखों पिक्सल्स हो सकते हैं। तो एक पिक्सल जो होता है वो एक्चुअली एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है। तो आपका जो एक पिक्सल है वो जितने एरिया को कवर करता है वही आपके जो सेंसर है उसका स्पेशल रेजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो यानी एक पिक्सल आपके जितने बड़े एरिया को कवर करेगा वही क्या होगा, उसका स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। अगर पिक्सल जो है वो लार्ज एरिया को कवर करता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगी, लो स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। और अगर पिक्सल जो है वो छोटे एरिया को कवर करता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगी, हाई स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। जैसे जो आपकी लैंडसेट की जो इमेज है उसमें एक पिक्सल जो है वो 30 मीटर बाय 30 मीटर के एरिया को आइडेंटिफाई करता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो 30 मीटर बाय 30 मीटर से बड़ा है उसको वो एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेगा। वही आपका जो आइकनोस डेटा है वो 1 मीटर बाय 1 मीटर के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट 1 मीटर बाय 1 मीटर से बड़ा है उसको वो क्या कर लेगा, एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेगा। आइकनोस की अगर आप इमेज देखें तो आप सड़कों में चलती हुई कारें भी आपको दिखाई देंगी, क्योंकि वो क्या है, 1 मीटर बाय 1 मीटर से बड़ी है। तो जितने बड़े एरिए को जो पिक्सल है वो आइडेंटिफाई करेगा रेजोल्यूशन उतनी ही लो मानी जाएगी, और जितने छोटे एरिया को आइडेंटिफाई करेगा रेजोल्यूशन उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। ये देखिए, ये रेजोल्यूशन 80 बाय 80 मीटर की है। तो एक पिक्सल जो है वो क्या कर रहा है, 80 बाय 80 मीटर को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो देखिए कोई खास इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है। उसको हमने डबल कर दिया 40 बाय 40 मीटर की, अभी भी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी नहीं है। ये 20 बाय 20 मीटर की है, ये देखिए 10 मीटर बाय 10 मीटर की, यानी एक पिक्सल 10 मीटर बाय 10 मीटर के एरिया को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब देखिए रेजोल्यूशन हमने और बढ़ा दी, 5 मीटर बाय 5 मीटर है, 2 मीटर बाय 2 मीटर और ये 1 मीटर बाय 1 मीटर। 1 मीटर बाय 1 मीटर में आप क्या करते हैं, बहुत आसानी से जो असरफेस ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिख पाते हैं। इसको हम बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कहते हैं। अगर ये 0.5 मीटर बाय 0.5 मीटर हो जाएगा तो जो रेजोल्यूशन है वो और अच्छा हो जाएगा और इमेज की क्वालिटी क्या होगी, और अच्छी हो जाएगी। तो इसे हम लोग कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरी रेजोल्यूशन होती है जिसे हम स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहते हैं। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन मतलब कि जैसे आपका कैमरा है, आपके मोबाइल का कैमरा है, वो केवल रेड ब्लू ग्रीन 3 स्पेक्ट्रम में देख रहा है, लेकिन जो हमारे सेंसर्स हैं ये उससे ज्यादा जो स्पेक्ट्रम है उसमें भी दे सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास एक अच्छा कैमरा हो और आपके कैमरे में जो है वो IR भी देख सकता है। तो अगर आपका जो है IR में देख सकता है तो आपका कैमरा रेड ब्लू ग्रीन प्लस IR देख सकता है। तो जब वो IR में देखेगा तो आपको मैंने जैसे पहले पढ़ाया था वो क्या देखेगा, उसके हीट सिग्नेचर को वो रीड करेगा। तो आपके कैमरे का स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ज्यादा है। अगर आपका माइक्रोवेव में देख सकता है तो आपके कैमरे का जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है वो और ज्यादा है। तो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन बेसिकली है क्या, कि हम कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को रीड कर सकते हैं। जितने ज्यादा स्पेक्ट्रम को हम रीड कर सकते हैं उसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो आपकी जो सैटेलाइट है हो सकता है वो रेड ब्लू ग्रीन रीड कर रही हो, रेड ब्लू ग्रीन या IR रीड कर रही हो, या लैंडसेट आपकी है जो 11 से 12 जो स्पेक्ट्रम है उनको रीड करती है। तो जितने ज्यादा स्पेक्ट्रम को सैटेलाइट सेंसर्स आपके रीड करेंगे आपका जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है वो उतना ही अच्छा माना जाएगा। अब आपकी जो है वो हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग चल रही है। तो हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग यानी वो हंड्रेड्स ऑफ स्पेक्ट्रम में एक साथ रीड करता है, और जब वो हंड्रेड्स ऑफ स्पेक्ट्रम में एक साथ रीड करता है तो हर एक स्पेक्ट्रम की अपनी एक खासियत होती है। आने वाले समय में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको हम स्पेक्ट्रल जो स्पेक्ट्रम से उनको चेंज करके दिखाएंगे कि कुछ खास स्पेक्ट्रम में पानी बहुत अच्छा दिखाई देता है, कुछ खास स्पेक्ट्रम के कॉम्बिनेशन में जो आपकी वेजिटेशन है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है, कुछ खास स्पेक्ट्रम में आपकी जो अर्बन एरिया है वो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। क्योंकि हर एक स्पेक्ट्रम की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो हर एक स्पेक्ट्रम अपनी इन्फॉर्मेशन, एक खास सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन को ले पाता है। तो जाहिर सी बात है सेंसर में जितने ज्यादा स्पेक्ट्रम होंगे उसका जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होगा हम उतना ही हाई मानेंगे, और वो जो इमेज होंगी वो हमारे लिए उतनी ही बेहतर होंगी। तीसरा तरह का रेजोल्यूशन है टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहते हैं। टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक जो सैटेलाइट है वो किसी एक पॉइंट को कितने दिन बाद दोबारा कवर करती है, यानी उसकी दोबारा तस्वीर लेती है। तो जैसे मान लीजिए कि लखनऊ है और एक सैटेलाइट है जो 2 जून को लखनऊ में आई और फिर 16 दिन बाद 18 जून लखनऊ पहुंची, फिर 16 दिन बाद 3 अगस्त को पहुंची। तो 16 दिन के गैप में वो क्या कर रही है, तस्वीरें खींच रही है सेम पॉइंट की। लेकिन एक दूसरी साइट है, सैटेलाइट है जो 1 जून को आई, फिर वो 12 जून को आई, यानी इसका जो डिफरेंस है वो केवल कितना है, 11 दिन का है। फिर अगली बार वो 23 जून को लखनऊ के ऊपर से निकली। तो बेसिकली ये जो सैटेलाइट है वो क्या कर रही है, 11 दिन में सेम पॉइंट पे दोबारा वापस आ रही है।
और जो दूसरी सैटेलाइट है वो 16 दिन पे वापस आ रही है। तो जाहिर सी बात है 11 दिन वाली जो सैटेलाइट है इसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या है, ज्यादा है। तो सैटेलाइट जितनी जल्दी दोबारा उसी पॉइंट पे आएंगी जिसमें वो लास्ट टाइम होके गई थी, उसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन हम उतना ही ज्यादा मानते हैं। तो जो सैटेलाइट जितने कम दिन में सेम पॉइंट को रिपीट करती है उसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन उतना ही कम माना जाता है, या उनका टेम्पोरल रेजोल्यूशन उतना ही बेहतर माना जाता है। आखिरी रेजोल्यूशन जो है वो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है, और रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है। आप लोगों ने अक्सर इस बात को देखा होगा कि आपके जो मोबाइल है आप लोग बेसिकली जब खरीदते हैं तो मेगापिक्सल से इसको देखते हैं कि जो आपका मोबाइल है इसमें कितना मेगापिक्सल है, 5 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल। और आपने इस बात को भी ध्यान दिया होगा कि कई बार कुछ मोबाइल्स होते हैं उनका जो कैमरा होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। हो सकता है कि आपका जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का हो, लेकिन आपके फ्रेंड है उनका जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, लेकिन उसकी जो फोटो क्वालिटी है वो आपसे अच्छी है। तो बेसिकली मेगापिक्सल सब कुछ डिटरमाइन नहीं करते हैं, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन भी जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। और रेडियोमेट्रिक बेसिक रेजोल्यूशन होती क्या है, इज द सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीव्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। यानी आपका जो सेंसर है वो कितना ज्यादा वो सेंसिटिव है उस मैग्नीट्यूड को रीड करने में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से टकरा के वापस आ रहा है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए कि हो सकता है कि जो आपका सेंसर हो वो जो आपका रेड है यानी 0.6 से 0.7, वो केवल ये रीड कर रहा हो कि जो एनर्जी टकरा के आ रही है वो 0.6 से 0.7 के बीच में है। तो जब वो सिर्फ ये रीड करेगा कि 0.6 से 0.7 के बीच में है तो बस उसको पता है कि ये रेड कलर है, उसको ये नहीं पता कि रेड कलर इसका हाई शेड रेड कलर है कि लो शेड रेड कलर। लेकिन हो सकता है कि आपका जो सेंसर है वो क्या करे कि जो एनर्जी आ रही है उसको 0.6 से 0.7 को 10 पार्ट में डिवाइड करे। तो जब वो 10 पार्ट में डिवाइड करेगा तो यानी वो रेड के 10 शेड्स को पहचानेगा। ठीक है, तो यानी इसकी सेंसिटिविटी सेंसर की क्या है, ज्यादा है। हो सकता है कि आपका जो कैमरा हो वो रेड को 100 पार्ट्स में डिवाइड करे या उसे 1000 पार्ट्स में डिवाइड करे। तो आपका जो सेंसर है वो जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा यानी उसको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जितने पार्ट्स में डिवाइड कर पाएगा उसकी जो सेंसिटिविटी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी, और उसकी रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स की आप बात करते हैं। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन को आमतौर पर हम लोग बिट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और हमेशा जो उसका एक्सपोनेंट होता है वो 2 to the power 2 होता है। इसको किस तरीके से आप पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका कैमरा 2 बिट का है, यानी 2 बिट का है, इसका मतलब ये है कि 2 to the power 2 यानी 4, वो क्या करेगा, वो इंसिडेंट एनर्जी को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, 0 से लेकर 3। 0 भी क्या है, एक वैल्यू है, तो इंसिडेंट एनर्जी को वो केवल 4 पार्ट में डिवाइड करेगा आपका सेंसर। लेकिन अगर आपका कैमरा 6 बिट का है तो 2 to the power 6 यानी 64, यानी जो भी एनर्जी आ रही है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, उसको वो 64 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 0 से लेकर 63 तक। हो सकता है कि आपका कैमरा 8 बिट का है, अगर आपका कैमरा 8 बिट का है यानी वो 256 पार्ट्स में डिवाइड करेगा जो भी इंसिडेंट एनर्जी आ रही है उसको। अगर वो 10 बिट का है तो वो 1023 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और अगर वो 16 बिट का है तो वो कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 65536 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इमेज की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा फाइन होगी। ठीक है, तो जो आपका जैसे आपके जो आईफोन है वो इस टाइम वो 10 बिट पे आ रहा है। ठीक है, तो 10 बिट पे यानी उसकी जो एक जो उसका उसका जो एक जो पिक्सल है वो इतने पार्ट में क्या कर पाता है, एक इंसिडेंट एनर्जी को आइडेंटिफाई कर पाता है। तो जो इमेज क्वालिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। देखिए, एक बिट जो है वो केवल 2 कलर को आइडेंटिफाई करेगी, 4 बिट देखिए वो 16 कलर को आइडेंटिफाई करेगी, 16 शेड्स को आइडेंटिफाई करेगी, और 8 बिट 265 शेड जो है उनको वो आइडेंटिफाई करेगा। तो जैसे जैसे बिट्स इंप्रूव होंगे वैसे वैसे जो इमेज क्वालिटी है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। देखिए, यहाँ पे 2 इमेजेस हैं, ये देखिए इसका बिट रेजोल्यूशन कम है, तो वो जो आप जैसे आपकी ग्राउंड है इस मैदान को वो इसको डिफरेंट शेड्स में नहीं पहचान पा रही है। लेकिन देखिए जब बिट का रेजोल्यूशन ज्यादा है तो देखिए कितनी साफ इमेज हो गई, वो जो ग्राउंड है उसमें जो हल्के हल्के डिफरेंट शेड्स हैं उनको भी डिफरेंट कलर की तरह वो आइडेंटिफाई कर रही है। तो जो इमेज की क्वालिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। इसी को हम कहते हैं रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम सैटेलाइट इमेजेस की बात करते हैं।